हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ तुरई और प्याज की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब मैं इसमें हरी मिर्च काट कर डाल दूँगी। अब इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज भी डाल दूँगी। प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। हमें इसको ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, बस पिंक पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें तुरई धोकर डाल देंगे। अब हम इसको भी प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम नमक और हल्दी डालकर ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। नमक डाल रही हूँ और हल्दी डालकर, बाकी मिर्ची और धनिया पाउडर हम बाद में डालेंगे। बारीक चॉप किए हुए 3 टमाटर ऐड कर देंगे। तुरई ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है और ये गर्मियों में खानी चाहिए सब्ज़ी। ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है। तो अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए फिर पका लेंगे। देखिए तुरई ने कितना पानी छोड़ दिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अभी दोनों को पकने में टाइम है। टमाटर भी कुक नहीं हुआ है और तुरई भी कुक नहीं हुई है। इसमें अपना ही बहुत सारा पानी होता है। देखिए तुरई ने सारा पानी छोड़ दिया है। सारा पानी हमारा सूख गया है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे। हल्दी और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था। 2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें कसूरी मेथी। देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। इसके साथ अब हम राइस बनाएंगे। तो अब हम राइस बना लेते हैं। हस्बैंड अभी मार्केट गए थे तो ये फ्रूट लेके आए हैं। अब हम इनको वॉश करके रखेंगे। ये डेली की किचन क्लीनिंग। अगर सफाई ना करें तो चींटियाँ हो जाती हैं। गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत चींटियों की है। चींटियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए करने के बाद पूरा अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? प्लीज मुझे जरूर बताएं।
आप क्या करिए हो, आप बोतल मांग रहे हैं, बाकी काम हो गया आपका? बिल्कुल, बाकी काम हमारा कंप्लीट हो गया, बस अब हमारे जो शोर करने हैं। वेलकम फ्री। और फ्रेंड्स आप बताएं, आपकी लॉकडाउन वाली लाइफ क्या चल रही है? हमारी तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन वाली लाइफ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाइट वॉक के लिए आई हूँ स्टेला को लेकर। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, मून आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और अपनों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।